हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक कप गेहूँ से एकदम बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बनाने में एकदम आसान भी है। तो आप इसे ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक कप से लिया है गेहूँ। और अब हमने क्या करना है, गेहूँ को अच्छे से धो लेना है 3 से 4 बार। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको धो लिया और एक छलनी में इस तरीके से मैं इसको रख दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी ताकि इसका जितना पानी है सब सूख जाए। आप चाहे तो एक साफ़ कपड़े से इसको पोंछ भी सकते हैं। तो मैं इस तरीके से छलनी में इसको रख देती हूँ। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस में। इसमें हम 1 से 2 चम्मच डाल देंगे तेल। 1/4 कप से मैंने यहाँ पर लिया है बादाम। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए बादाम हमारे यहाँ पे भून चुकी है। तो इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उसी घी में मैं डाल देती हूँ गोंद, जो खाने वाली गोंद होती है वो मैंने 1/4 कप से ली है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको भी हम निकाल लेंगे और जो बाकी का है उसको भी इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है, जो भी आपको पसंद है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्वान्टिटी में भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर देखिए जो हमने गेहूं रखे थे पंखे के नीचे वो भी अच्छे से सूख गए हैं। तो अब इसको हमने उसी घी में डाल दिया। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छे से भूनना है जब तक कि ये फूल के थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाएगा और एकदम फूटने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से गेहूँ भी हमारे भुन गए थे तो मैंने उसको भी निकाल लिया। अब यहाँ मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिए हैं 2 कप से फूल मखाना। तो मैंने इसमें घी नहीं ऐड किया है ऊपर से, बस इसको मैं ऐसे ही बिना घी के ही रोस्ट कर लूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मखाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे इस तरीके से दबा के। देखिए ये अच्छे से भुन गए हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ पे ये भी निकाल लिया है। तो अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप से नारियल का बुरादा मैंने लिया है और इसको हमने एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा और ये बहुत ही जल्दी से भुन भी जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भुन गया है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको भी निकाल लेते हैं हम बर्तन में एक। तो सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली है, इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो ये गेहूँ भी हमारे देखिए अच्छे से भुने हुए हैं। तो सारी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके पीस के हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने गैस पे फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है। 1 कप से मैंने यहाँ पे लिया है गुड़ वाला पाउडर और साथ ही उसमें 1/2 कप के करीब मैंने डाल दिया है पानी। तो गुड़ वाला पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको चीनी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा ये चिपचिपा हो जाए तब तक हमने इसको पका लेना है। मैंने यहाँ पे कोई तार वाली चाशनी इसमें नहीं बनाई है। तो यहाँ पे ये हल्का चिपचिपा सा हो गया है तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसमें हमने जो भी चीज़ें पीस के रखी हुई है सारी वो डाल देनी है। तो ये मैंने गेहूं वाला पाउडर इसमें डाल दिया। अब डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीस के रखे हैं और साथ ही डाल दिया नारियल का बुरादा और अच्छे से सारी चीज़ों को हमने इसमें मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। तो अब हम फटाफट से इनके लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो आप इसके छोटे बड़े साइज़ अपने हिसाब से लड्डू के रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से देखिए इतने बड़े साइज़ के लड्डू बनाए हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो ये देखिए एक लड्डू मेरा बन गया। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो आप इनको एक बार बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप रोज़ एक लड्डू निकाल के खाइए और सारी बीमारियों को दूर भगाइए। तो ये देखिए यहाँ पे सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं।
बहुत ही बढ़िया टेस्टी से लड्डू बने हैं, तो आप भी ज़रूर से बना के ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।